हेलो एवरीवन तो गाइस मैं हूं मंजू और की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं तो आप सभी जानते हैं मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ की चीजें बनाई जाती है और सर्दियों में तिल और गुड़ खाना बहुत ज्यादा हेल्दी भी होता है तो उसी तिल और गुड़ से मैं आपके लिए मकर संक्रांति स्पेशल बहुत ही शानदार केक की रेसिपी लेकर आई हूँ ये टेस्टी होने के साथ साथ सुपर हेल्दी भी है इसमें हमने कोई भी मैदा अंडा ओवन क्रीम, चीनी किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपके लिए बनाना बहुत ही आसान है साथ में सुपर हेल्दी भी है तो आप इस पर सक्रांति, संक्रांति इस केक की के रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए यूज़फुल लगे मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको बेल आइकन दिखेगा बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करना इससे क्या होगा आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस आसान सी रेसिपी को बना सबसे पहले गैस पर कोई भी बर्तन आप रख सकते हैं इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप गुड़ तो मैंने यहाँ डार्क वाला जो गुड़ आता है वो लिया है देसी गुड़ आपके पास जो भी गुड़ हो आप वो इसमें ले सकते हैं अब उसी कप से मैंने आधा डाला इसमें पानी यानी कि वन फोर्थ कप मैंने पानी डाला इसी के साथ एक बड़ा चम्मच मैंने इसमें सौफ डाली अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और गुड़ को घुलने तक हम इसको पकाना है बस हमको गुड़ को मेल्ट करना है इससे ज्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है फ्रेंड्स गुड़ अब अच्छे से मेल्ट हो चुका है इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे इसके बाद यूज लेंगे तो मैंने यहाँ लिया है केक टिन मैंने सिक्स इंच का यहाँ गोल शेप का केक टिन लिया है आप कोई भी शेप का ले सकते है। आपके पास केक नहीं है, तो आप हैं तो आप देख सकते है, अच्छे से ग्रीस कर लिया है अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ बटर पेपर अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो हमने ये ग्रीस किया है इसी के ऊपर आप थोड़ा सा मैदा या आटा डस्ट कर सकते हैं इससे भी आपका केक बहुत आसानी से निकल जाएगा तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया बटर पेपर इसे भी अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स घी मैंने अच्छे से इसे ग्रीस कर लिया केक टिन हमारा रेडी हो चुका है अब कढ़ाई को पर हीट कर लेते हैं तो मैं कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो कोई भी कुकर पतीला कुछ भी यूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम का बर्तन तो अब मैंने कढ़ाई को प्रहीट करने रख दिया है इसमें में लगा रही हूँ एक स्टैंड आप चाहें तो कोई भी कटोरी या प्लेट रख सकते हैं बस उसकी एक इंच हाइट होनी चाहिए तो मैंने स्टैंड को उल्टा करके इसके ऊपर रख दिया है अब इसको ढककर रखेंगे लगभग दस मिनट तक प्रहीट होने के लिए मीडियम फ्लेम पर तो तब तक हम केक का बैटर बना लेते हैं तो मैंने यहाँ रखा है एक बाउल इसके ऊपर रखी एक चलनी इसमें मैं डाल रही हूँ एक कप गेहूं का आटा जिससे हम रोज़ में रोटियां बनाते हैं ये वही गेहूं का आटा है तो इससे बहुत ही हेल्दी केक बनेगा हमने इसमें मैदा का इस्तेमाल नहीं किया है इसी के साथ मैंने वन फोर्थ कप इसमें डाला मिल्क पाउडर ऑप्शनल है लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसी के साथ मैंने वन टी इसमें डाला है बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं मीठा सोडा कहते हैं अब अच्छे से सभी चीजों को छान लेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड सभी चीजों को मैंने छान लिया है छानना बहुत ज्यादा जरूरी है इसी से केक हमारा फ्लफी बनेगा स्पंजी बनेगा तो आप देख सकते हैं सभी ड्राई इंग्रीडियंट को मैंने छान लिया है अब इसमें हम सौंप और गुड़ वाला पानी डालेंगे वो भी अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ चुका है तो अच्छे से इसको डाल देंगे थोड़ा सा मैंने अभी डाला थोड़ा सा अब डाल दिया तो दो बार में मैंने इसको डाला है इससे क्या होगा लम्पस नहीं पड़ेंगे अब आप देख सकते हैं बेटर बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो उसी गुड़ वाले पानी के बर्तन में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और फिर उसे इस बेटर में मिक्स कर देंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप देख सकते हैं बिल्कुल लम्ब फ्री आपको बेटर बनाना है अभी मुझे गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा मैंने पानी और डाल दिया इसमें तो आप देख सकते हैं अब बिल्कुल परफेक्ट बेटर हमारा बन चुका है इस तरह से ये होना चाहिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं तो मैंने यहां दो बड़ा चम्मच डाले हैं सफेद वाले तिल तो इससे हमारा जो केक है वो हेल्दी भी बनेगा और टेस्टी भी बनेगा तो तिल को भी अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और फटाफट से हम केक टिन में ट्रांसफर कर, कर लेते हैं इस बैटर को तो आप देख सकते हैं डिब्बिन की तरह ये गिर रहा है इसका मतलब परफेक्ट बैटर हमारा बन चुका है अब इसे एक से दो बार टेप करेंगे ताकि एयर बबल निकल जाए और इसे सीधा प्री हीटेड कढ़ाई में हम रख देंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सीधा मैंने इसे प्री हीटेड कड़ाई में रख दिया है अब इसे ढककर रख देंगे लगभग हमें इसे चालीस से पैंतालीस मिनट बेक करना है स्लो फ्लेम आपको गैस की रखनी है तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स लगभग फोर्टी फाइव मिनट बाद मैंने इसे चेक किया तो आप देख सकते हैं केक बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है साइड भी इसने छोड़ दिए हैं एक टूथपिक डालकर देखेंगे तो टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है इसका मतलब केक हमारा रेडी हो चुका है डिपेंड करेगा कि गैस की फ्लेम कितनी है उस हिसाब से इसमें टाइम लगेगा आप एक बार तीस मिनट बाद जरूर चेक कर लें मुझे फोर्टी फाइव मिनट इसको लगे हैं तो मैंने इसे निकाल लिया है अब इसको ढककर हम बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे हमें बिल्कुल ठंडा होने देना है इसके बाद ही हम इसको डिमोल्ड करेंगे तब तक हम गनाश बना लेते हैं तो गैस पर मैंने एक पैन रखा इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप गुड़ तो गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट

कौन फ्लोर वाले बेटों को इसमें ऐड कर दिया है अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसे हमें गाढ़ा होने तक पकाना है तो मीडियम फ्लेम में गैस की रखी है और इसे लगातार चला रही हूँ तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये गाढ़ा होने लग गया है हम इसका गनाश बनाएंगे गुड़ का तो अच्छे से ये गाढ़ा हो चुका है आप देख सकते हैं इससे ज्यादा हम इसे गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी ये बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इस तरह का ये बेटर होना चाहिए आप देख सकते हैं इस पे चूल्हा पे ये हल्का सा कोट हो रहा है इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है आप देख सकते हैं इसकी रुक रुक के बूंदे गिर रही है तो इसे ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे तब तक क्रीम बना लेते हैं तो मैंने एक बाउल के ऊपर रखी एक चलनी इसमें मैं डाल रही हूँ दूध की मलाई जो हम दूध में से मलाई उतारते हैं ये वही है इसी से हम बहुत ही टेस्टी क्रीम बनाने वाले हैं तो आप देख सकते हैं लगभग चार दिन की मैंने इसमें मलाई डाली है सर्दी है तो चार से पांच दिन की आप मलाई यूज कर सकते हैं तो अच्छे से इसको मलाई को इसमें छान लेंगे तो बिल्कुल हल्के हाथों से छानना है हमें इसका फैट कंटेंट नहीं चाहिए बस इसका लिक्विड वाला पार्ट है वो हमें लेना है तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स चम्मच से मैंने इसे थोड़ थोड़ा थोड़ा छान लिया है अब इसमें जो ऊपर पार्ट रह गया है ये फेट है इसे हम अलग बाउल में निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने वही मलाई वाला बाउल लिया उसमें मैंने सारी ऊपर वाला जो पार्ट था निकाल लिया है इसे हम घी बनाने में यूज कर सकते हैं अब चलने को हम हटा देंगे तो आप देख सकते हैं क्रीम हमारी निकल चुकी है बहुत ही गाढ़ी क्रीम है तब तो मैं विस्क का इस्तेमाल कर रही हूं अगर विस्क नहीं है तो आप फोक आता है कांटे वाला चम्मच उसका भी है, यूज कर सकते हैं बस उससे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा तो विस्कर से मैं इसे मिला रही हूँ बिल्कुल अच्छे से आप स्पीडली इस इसको एक ही डायरेक्शन में विस्क करते जाए तो ये बहुत ही जल्दी गाड़ी होने लग जाएगी जितना जल्दी आप फेटेंगे उतनी जल्दी आपकी क्रीम गाड़ी होगी तो आप देख सकते हैं मैं लगातार इसे चला रही हूँ बहुत ही जल्दी ये गाड़ी हो जाती है फ्रेंड्स पांच से छह मिनट ही आपको लगेगा इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ठंडी है और मलाई भी आपकी बिल्कुल चिल होनी चाहिए आप इस बात का ध्यान रखें तो अच्छे से इसको मिक्स करें तो आप देख सकते हैं ये हल्की ये गाढ़ी होने लग गई है तो अच्छे से इसको फिर से विस्क करेंगे तो लगातार चलाते हुए आप स्पीडली इस इसको विस्क करेंगे जिस स्पीड से आप विस्क करेंगे उतना ही आपको टाइम लगेगा तो मुझसे पांच से छह मिनट आपको इसमें लग जाएगा तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स लगातार चलाते हुए मैंने इसे विस्क किया तो आप देख सकते हैं अभी ये गाढ़ी होने शुरू हो चुकी है तो हमारी क्रीम बनने के लिए तैयार है तो फ्रेंड्स लगातार विस्क करते रहें जब तक इसमें स्टीफ फिक्स ना आ जाए तो आप देख सकते हैं ये हल्की गाड़ी हो चुकी है तो ये जब ये इतनी गाड़ी हो जाए तब हम इसमें मिलाएंगे गनाश तो हमने गुड़ वाला जो गनाश बना कर रखा था वो भी आप देख सकते हैं गाढ़ा हो चुका है अगर आपको लगे कि गनाश आपका गाढ़ा नहीं हुआ है तो आप उसको थोड़ा सा और पका सकते हैं यह आपका गाढ़ा ज्यादा हो गया है तो उसमें पानी डाल के आप उसकी कंसिस्टेंसी को इस तरह की कर ले आप देख सकते हैं तो सारा गुड़ का गनाश हम इसमें ऐड कर देंगे इससे हमारी क्रीम भी मीठी हो जाएगी इसमें अलग से कोई भी मिठास डालने की जरूरत नहीं है गुड़ से बिल्कुल परफेक्ट मीठाई ये हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी हमारी बनकर रेडी होगी तो आप देख सकते हैं सारा मैंने इसमें डाल दिया है और अब पेन में थोड़ा वो जो गनाश लगा है इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल के आप इसका सिरप बना ले इसे हम केक को शोक करने में यूज लेंगे तो आप देख सकते हैं अच्छे से इसको मिला लें इस गनास को क्रीम के साथ और तो धीरे धीरे इसको मिलाएं क्योंकि अगर आपने ओवर विस्क इस क्रीम को कर दिया तो ये अपना मक्खन छोड़ देगी तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से क्रीम को विस्क कर दिया है और ये बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है तो विस्कर मैंने हटा दिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारी क्रीम बनी है आप देख सकते हैं इसपे चुला बिल्कुल अच्छे से ये स्टिफ हो रही है बिल्कुल भी नहीं गिर रही है इसका मतलब परफेक्ट हमारी क्रीम विस्क हो चुकी है इससे ज्यादा हम इसको विस्क नहीं करेंगे अगर विस्क आपने ज्यादा कर दिया तो ये अपना मक्खन छोड़ देगा तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स केक भी हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है इसने एजेस तो छोड़ दिए है फिर भी एक नाइफ से आप इसके किनारे को रिमूव कर दें फिर एक प्लेट के ऊपर आप इस केक को निकाल दें तो आप देख सकते हैं मैंने इस केक को निकाल लिया है बहुत ही आसानी से निकल चुका है केक टिन भी हमारा बिल्कुल क्लीन है अब इसके ऊपर से बटर पेपर को रिमूव कर देंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट हमारा केक बना है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है परफेक्टली कुक हुआ है और आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हमारा केक बना है अब हम इसके दो लेयर करेंगे तो आप कोई भी नाइफ ले लें उससे आप इसके ऊपर निशान लगा ले चारों तरफ तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से आप निशान लगा ले बिल्कुल बराबर लेयर आप इसकी कर ले आप चाहे तो तीन लेयर भी इसकी कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने निशान लगा लिया है अब मैंने लिया है यहाँ थ्रेड और जो हमने निशान बनाया था उसके ऊपर हम थ्रेड को फंसा देंगे और थ्रेड के दोनों सिरों को हम पकड़ लेंगे और दोनों सिरों को पकड़ते हुए हम अच्छे धीरे तो धीरे से खींचेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से धीरे धीरे आप खींचते हुए इसकी लेयर काट ले तो बहुत ही क्लीन आपकी लेयर कट जाएगी तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने की दोनों लेयर कट कर लिए आप देख सकते हैं बिल्कुल जालीदार हमारा केक बना है सॉफ्ट बना है तो दोनों लेयर हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है अब अब मैंने पहली लेयर अब पहली लेयर लेयर ली है को हम अच्छे से सोक करेंगे तो मैंने जो गनास बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसी पेन में और इसका एक सिरप बना लिया है तो गुड़ का सिरप हमारा रेडी हो चुका है अब इससे हम सोक करेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से आप इसको सोक कर ले बिल्कुल अच्छे से सोक करें जितना अच्छे से आप इसको सोक करेंगे उतना ही सॉफ्ट हमारा केक बनकर तैयार होगा तो अच्छे से मैंने इसको सोक कर लिया है अब इसके ऊपर हमारे क्रीम क्रीम डालेंगे तो कम ज़्यादा आप अपने मैंने तो अच्छे से, तो से क्रीम लगा ली अब दूसरी वाली लेयर हम उल्टा करके रखेंगे ताकि उसे अच्छे से हम सोक कर सके तो आप देख सकते हैं मैंने उल्टा करके रख दिया है लेयर को अब अच्छे से गुड़ वाले पानी से इसे भी अच्छे से सोक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से मैंने इसे सोक कर लिया है अब इसके ऊपर भी हम क्रीम फैला लेंगे तो पहले हम इसकी क्रम कोटिंग करेंगे मतलब हम थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे तो पहले पतली लेयर आप इसकी क्रीम की लगा लें तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पतली लेयर मैंने ऊपर लगा ली है अब साइडों पर भी हम थोड़ी थोड़ी क्रीम लगाएंगे और अच्छे से इसको स्मूथ कर लेंगे पहले हम क्रम कोटिंग करेंगे ताकि हम जब इसकी फाइनल फिनिशिंग करेंगे तब इसमें जो केक के पार्ट है वो बिल्कुल भी निकल कर नहीं आएंगे तो आप एक बार इसकी क्रम कोटिंग जरूर करें तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने अच्छे से इसकी क्रम कोटिंग कर ली है तो केक हमारा तैयार हो चुका है इसे हम रख देते हैं फ्रिज में लगभग पंद्रह से बीस मिनट के लिए सेट होने के लिए तो देख सकते हैं मैंने फ्रिज से केक निकाल लिया है लगभग पंद्रह मिनट के बाद तो अच्छे से, इस से इस सेट हो चुका है अब इसके ऊपर हम फाइनल लेयर इसके ऊपर हम क्रीम की लगाएंगे तो अच्छे से अब आप इसके ऊपर क्रीम लगाए तो बिल्कुल अच्छे से आपको क्रीम लगानी है बहुत ही अच्छे से हम इसकी फिनिशिंग करेंगे तो जितना हो सकता है आप उसकी

तो आप देख सकते हैं मैंने ऊपर से थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा ली है अब किनारों पर भी हम अच्छे से इसके ऊपर क्रीम लगा लेते हैं तो फ्रेंड्स अच्छे से हम इसकी स्मूदनिंग कर लेंगे तो थोड़ी थोड़ी मैंने क्रीम लगाई है इसके बाद मैं इसकी स्मूदनिंग कर रही हूँ तो पहले आप थोड़ी क्रीम लगाएं फिर इसके ऊपर और क्रीम लगाएं तो इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी आप स्मूदनिंग कर लें तो टॉप पे मैंने अच्छे से स्मूथ कर लिया है आप देख सकते हैं जितना आप स्मूथ हो सकता है उतना आप स्मूथ कर लें तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर ली है अब मैंने यहाँ टू डी नोज़ल लिया है स्टार वाला आपके पास कोई भी हो आप वो ले सकते हैं या फिर आप अपने पसंद से कोई भी नोजल इसमें डाल सकते हैं तो पाइपिंग बैग में नोज़ल डाल के उसमें क्रीम डाल ली है बची हुई और उसके ऊपर हम फ्लोवर बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं फ्लोवर बना रही हूँ उस तरह से आप बना लें तो हल्का सा पाइप इंड बैग को गोल घुमाएंगे तो इस तरह से आपके रोजेट बन जाएंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हमारे फ्लोवर बन रहे हैं इसी तरीके से हम सारे फ्लोवर बना लेंगे तो फ्रेंड्स डेकोरेशन ऑप्शनल होती है आप अपनी पसंद से किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं अगर आपके पास नोजल नहीं है तो फिर आप क्या करें वो भी आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से मैंने टॉप लेयर इसकी डेकोरेट कर लिए नीचे से भी हम इसकी बॉर्डर बना लेंगे तो आप देख सकते हैं हल्का सा नोजल को ऊपर की तरफ ले जाएं, फिर नीचे की तरफ ले जाते हो आप इसकी बॉर्डर क्रिएट कर लें, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने नीचे से भी बहुत ही अच्छी बहुत ही सुंदर बॉर्डर इसमें क्रिएट कर लिए तो आप देख सकते हैं लुकिंग में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हमारा केक लग रहा है अब हम मैंने लिए हैं थोड़े से कटे हुए पिस्ता थोड़े से कटे हुए बादाम बीच वाले पार्ट में मैं थोड़े से कटे हुए पिस्ता और बादाम लगा रही हूँ आप चाहें तो मकर संक्रांति केक है तो आप चाहें तो तिल के लड्डू इसके ऊपर रख सकते हैं या फिर आप रेवड़ी रख सकते हैं जो भी आप लाइक करें वो आप इसके ऊपर रख सकते हैं सभी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर दिए आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं तो सभी चीजें आप बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं बनकर बिल्कुल रेडी है हमारा बहुत ही ज्यादा सुंदर टेस्टी और सुपर हेल्दी केक हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है आप देख सकते हैं हमने इसमें सभी चीजें हेल्दी यूज की है तो आप इसे बिल्कुल मन खोल कर खा सकते हैं जितना आप खाना चाहें उतना खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी केक बनता है फ्रेंड्स अब इसे कट कर कर भी देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हमारा केक बना है मेरे काटने से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है और टेस्टी तो बहुत ही ज्यादा है तो आप इस मकर संक्रांति या फिर आप विंटर में कभी भी इस केक की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं सभी को ही बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है है इसमें हमने सौंफ डाली है। उसका जो फ्रेश फ्लेवर है वह बहुत ही अच्छा लगता है इस केक के अंदर तो एक बार आप इस रेसिपी को इस तरह से जरूर ट्राई करें आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और प्लीज फ्रेंड्स पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करना मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आपके कमेंट और लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। बाय बाय